पर हर राजनीतिक दलों ने इस पे अपनी राजनीति भी खूब रची। मेरा विश्वास से मेरे प्रधानमंत्री पर है, क्योंकि इन्हीं में ये इच्छा शक्ति है कि वो इस कानून को ला सकते हैं और इन्होंने आज वो करके दिखाया। फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। संविधान में 128वें संविधान संशोधन पे आए इस विधेयक के समर्थन में सर मैं अपनी बातों को यहां पर रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर दो दिन पहले जब पुरानी संसद में और मौजूदा संविधान सदन में जब अपनी बातों को अपने अंतिम संबोधन को वहां पे रख रहा था, उस वक्त इस बात की जानकारी नहीं थी कि जब नई संसद में जाएंगे और उस संसद में जो पहला संबोधन होगा वो देश की आधी आबादी से जुड़ा हुआ होगा। यकीनन ये हम सब के लिए सर एक बहुत सौभाग्य की बात है कि लंबे समय से, और इसमें मुझे लगता है हर एक व्यक्ति सहमत होगा, ये मांग लंबे समय से हर राजनीतिक दल हर राजनेता की रही, पर हर राजनीतिक दलों ने इस पे अपनी राजनीति भी खूब रची। इस कानून को बेहतर बनाने की आड़ में, इस कानून को सशक्त करने की आड़ में, महिलाओं को और अधिकार देने की आड़ में लगातार निरंतरता में इस विधेयक को लटकाया गया, इसको संसद में आने से रोका गया। और यही कारण है सर पिछले 27 सालों से ये कानून अभी तक अपने मूल स्वरूप में नहीं आ पाया, धरातल पर नहीं उतर पाया, क्योंकि इस पे सिर्फ राजनीति होती गई। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान के रचयिता हैं सर, उन्होंने कहा था कि किसी भी समाज या किसी भी देश के विकास के मापदंड को अगर परखना है तो वहां की महिलाओं के विकास को आपको देखना होगा। हमारे देश से बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है सर, हमारे देश के सर्वोच्च पद पर ना सिर्फ एक महिला बैठी है बल्कि अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाली वो महिला आज हमारे देश की राष्ट्रपति है। इससे बेहतर और महिलाओं के लिए क्या होगा सर। आज की इस तमाम चर्चा में तीन बातें बहुत मजबूती से सामने आई। एक कि इसमें देरी होगी, सेंसस आएगा, उसके बाद इसमें डिलिमिटेशन होगा, तब जाकर ये कानून धरातल पर उतरेगा। अगर देरी की इतनी ही चिंता विपक्ष को थी तो इन 27 सालों में क्यों नहीं ये कानून आ गया था, क्यों नहीं इस कानून को उस वक्त ले आया गया था जब इसी तथाकथित विपक्षी दलों के गठबंधन के कई नेताओं ने इसको रोकने का प्रयास किया, इसको सशक्त करने की आड़ में इसको रोका गया। अगर उस वक्त ये कानून आ गया होता तो आज जो बाकी की लंबित मांगे हैं सर वो भी पूरी हो जाती। दूसरा मुद्दा उठाया गया आरक्षण को लेकर, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। डेफिनेटली सर हम सब पक्षधर हैं इसके, हम लोग चाहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से आने वाली महिलाओं का इसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। पर सर ये विश्वास भी मेरा मेरे प्रधानमंत्री पर ही है। आज से 3 साल पहले राष्ट्रपति जी पर आए, अभिभाषण पर आए, प्रस्ताव पर जब अपनी बातों को रख रहा था, उस वक्त भी मैंने कहा था कि मेरा विश्वास सिर्फ मेरे प्रधानमंत्री पर है, क्योंकि इन्हीं में ये इच्छा शक्ति है कि वो इस कानून को ला सकते हैं और इन्होंने आज वो करके दिखाया। और ये विश्वास है मेरा सर आने वाले दिनों में, भैया पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री खुद जिस वर्ग से आते हैं, जिन्होंने मंडल कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया, जिन्होंने रोहिणी कमीशन के गठन का कार्य किया, उन पर अब विश्वास करेंगे। अगर इन्होंने अभी तक इतने कार्य पिछड़ा वर्ग के लिए किए हैं तो यकीनन मेरा विश्वास है, और जहां मेरा विश्वास है वहीं मैं अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से यह आग्रह भी करूंगा कि जल्द से जल्द इसमें यह प्रावधान भी जोड़ा जाए जहां पे अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाली पिछड़ा वर्ग से आने वाली महिलाओं के लिए भी इसमें रिजर्वेशन हो, उनके लिए भी सीट इसमें आरक्षित की जाए। पर साथ ही में सर अंतिम बात, जो ये एक अविश्वास का माहौल यहाँ पर उत्पन्न किया जा रहा है मीडिया के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से, कि ये सिर्फ जुमला चल रहा है। सर इतना समय इनके पास था, विपक्षी दलों के गठबंधन के पास पूरा समय था, अगर ये चाहते तो तब से लेकर अभी तक इसको ले आते, पर नहीं लाना इनकी नीति इनकी नीयत को दिखाता है। अंत में सर बस मैं इतना ही कहूँगा, एक्यूजेशंस बहुत लगाए गए पर सजेशंस इनकी तरफ से नहीं आए। सर यह आग्रह मैं करता हूं कि जल्द से जल्द इस कानून को और तमाम दल, क्योंकि इसमें सहमत है, विद कंडीशन सहमत है, पर मैं चाहूंगा कि सर सहमति से इसको पारित किया जाए। और अंत में सर मैं एक शब्द अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को बधाई दी है, जमुई के लोग, हाजीपुर के लोग, बिहार की पूरी जनता ने प्रधानमंत्री जी को इस विधेयक को लाने के लिए ढेर सारी बधाई दी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।